सूबे की सरकार, पर्व त्योहार का महीना चल रहा है, नवरात्रि का समय है और बक्सर में स्वास्थ्य महकमे का हाल बेहाल हो चुका है। आज अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं लेकिन मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल या तमाम तरह की सेवाएं देने के लिए जो व्यवस्था एम्बुलेंस की है 102 बक्सर में त्राही त्राही डोल रहा है। त्राही त्राही शब्द का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी और राज्य स्वास्थ्य समिति और बिहार सरकार के साथ साथ बक्सर जिले के स्वास्थ्य समिति के लोग, आखिर ये एम्बुलेंस के ड्राइवर पर्व के समय में क्यों हड़ताल पे हैं, क्यों यहाँ पर सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने शोभा की वस्तु बनी हुई है ये मरीजों को सेवा देने वाली एम्बुलेंस, क्यों यहाँ पर खड़ी करके मौन चुप्पी साध करके अपने अपने चेहरों पे जिस तरह की सिकन लिए हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई बड़ा मलाल होगा, सरकार के साथ किसी तरह की कोई गलत फहमी होगी या सरकार की कोई कमी होगी जिसको लेकर के इनके बीच में आक्रोश का है। एम्बुलेंस खड़ा किए हैं सदर हॉस्पिटल। हम लोग का पेमेंट 4 महीना से नहीं मिल रहा है, 5वां महीना चल रहा है। राजनीति कीजिएगा, राजनीति कहे क्या करेंगे भैया, भूखे मर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, हमको भोजन नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, कैसे सेवा दीजिएगा? 8,000 का पेमेंट कहे कर रहे हैं, हाँ हम रोड पर भीख मांगे, हाँ कोई भीखो मांगने पर देगा हमको तो पैसा? तो सिविल सर्जन का कार्यालय घर दीजिए। सिविल सर्जन साहब को मांगना चाहिए राजस्वास्थ्य समिति पटना से कि ये लोग हमारा वेतन इन लोग को दिया जाए, ये पंचो ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोग पर, हाँ ध्यान दे देते तो आज हो जाता। आज DPM साहब है वो भी कुछ नहीं, रोज आज एक महीना से रोज कर रहे हैं कि आज देंगे कल देंगे और नहीं देने का कोई प्रावधान उनके सामने नहीं है, खाली दिलासा झूठे कर दे रहे हैं। DPM ऑफिस में जो हमारा कंट्रोल ऑफिसर देख रहा है, DPC जो देख रहे हैं जिनका नाम जावेद दवी है, उनका सबसे बड़ा इसमें रोल और भूमिका है। आज तक सनीचर कभी नहीं आया, सनीचर को डाल देंगे फिर से सुख को डाल देंगे, सनीचर सुख नहीं आता है कभी इस महीना में, आज 3 महीना ले सुख सनीचर अभी नहीं किया है। DPM साहब का कहना 3 महीना 4 महीना को, आज 4 महीने से हम लोग को बरगलाया जा रहा है कि कल दे देंगे परसों आ जाएगा, फंड आ रहा है डिमांड लेटर आ रहा है, तो कभी कंपनी में बात करते हैं कभी यहाँ पर बात करते हैं, कहते हैं अरे मिल जाएगा, घबराइए। राजनीति का शिकार है आप लोग? राजनीति का शिकार कहाँ है, राजनीति करना लोगों का होगा, हमारा धर्म है सेवा करना, हम तो सेवा करने के लिए आज भी तैयार है लेकिन ये सेवा करने का मौके नहीं दे रहे यहाँ के प्रशासन। बताइए अगर इनको 4 माह का वेतन ना मिले और लगातार पर्व त्योहार आने वाला है तो ये लोग क्या करेंगे, सिस्टम तो ये लोग बिगाड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राज्य स्वास्थ्य समिति, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी जिला स्वास्थ्य समिति के इसी कार्यालय में बैठे हुए तानाशाह मनमानी पूर्ण रवैया अख्तियार करने वाले अधिकारी, आप उठाते हैं वेतन और भूख के लाले पड़े इन ड्राइवरों के, जिनको मिलना चाहिए उचित वेतन मान उनको नहीं मिल रहा है 4 महीना से। अरे इनको तो देना चाहिए समान काम का समान वेतन, वो भी नहीं मिलता हम लोग को, 8,000 का नौकरी करते हैं हम लोग, तो दुख तो इस बात का है कि हम लोग कुछ बहुत कुछ करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हम लोग। क्यों नहीं आपको वेतन, क्यों काट आप लोग ड्यूटी नहीं करते हैं, क्यों कोई काम में लापरवाही क्यों आप लोगों को? अरे तो आ करके बताइए ना, लापरवाही कहाँ है हमारी, हमारी लापरवाही का एक भी दिखाए कि लापरवाही कहाँ है। हम लोग ड्यूटी इतना बढ़िया से करते हैं, आज तक पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम 4 महीने का पेमेंट रोक रखे हैं कि ये पदाधिकारी रोका हुआ है। निश्चित तौर पर प्रशासन के अधिकारियों की मनमानी की चक्की में पीस रहे हैं ये 6,000 और 8,000 के वेतन कर्मी एम्बुलेंस चालक, जिनको पिछले 4 महीने से नहीं मिला है वेतन। नवरात्रि के महीने में सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि तमाम प्रशासनिक महकमे के लोग और जो भी सरकारी और सरकारी काम कर रहे हैं उनको पर्व से पहले वेतन भुगतान किया जाएगा, लेकिन वेतन भुगतान नहीं होने के कारण अब बक्सर जिले में स्वास्थ्य महकमे में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह
ठप पड़ गया है। बबलू उपाध्याय, कशिश न्यूज, बक्सर, बिहार।